कंपनी के क्राउन प्रतिष्ठा आदरणीय वेद प्रकाश ओझा जी, गिव द बिगेट फॉर हिम वंस अगेन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जिनके माध्यम से हमें आने का मौका मिला है, एक बार ऐसे इंसान के लिए जोरदार ताली होना चाहिए कि नहीं? मैंने ताली के लिए नहीं बोला, नाम के लिए बोला। तो ऐसे इंसान जिन्होंने इतना बेहतरीन ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया है, जिन्होंने अपने कंधे पे सारा जिम्मेदारी लिया है, लीडर वो होता है कि जो रिस्क लेता है, कई बार आप जान चुके हैं, सुन चुके हैं। तो वैसे महान हस्ती के श्री केशव राव जी के लिए एक बार जबरदस्त ताली होना चाहिए, जबरदस्त। एक दिन मुझे याद आ रहा है कि आज से लगभग 5 साल पहले इसी मीटिंग हॉल में मैं रूबी बन के आया हुआ था। यही मंच है और यही हॉल है कि मैं रूबी बन के आया था और केशव जी को, जेपी जी को, विजय पांडे, इन सबको इस मीटिंग हॉल से बाहर कर दिया गया था। कि कंपनी का रूल था कि जब तक आप रूबी ब्रेक नहीं करेंगे तब तक इस मीटिंग में आप नहीं आ सकते हैं। और कंपनी ने बोला कि खाना खा लीजिए और यहां चले जाइए, आपके लिए ट्रेनिंग नहीं है। और वो दिन आज मुझे याद आ रहा है कि मैं क्राउन प्रेसिडेंट बन के इसमें कई बार आ चुका हूं और ट्रेनिंग भी दे चुका हूं, मैं कई टाइम आ चुका हूं, लेकिन केशव जी, जेपी जी और अदर हमारे लीडर्स जो हैं, ये फर्स्ट टाइम वो स्टेज है कि एक समय मीटिंग में नहीं बैठ पाए थे और आज एक दिन है कि आज इसके चीफ गेस्ट बन के आए हुए हैं। तो एक बार इन सबके लिए जबरदस्त ताली होना चाहिए। इस बिजनेस में सफल होने के लिए मेन मेन मुख्य मंत्र क्या है, उसके बारे हम बात करेंगे और उसके बाद आप आइडियल एसोसिएट बन जाएंगे। ये सब कुछ आपके पास अगर 9 चीज आ जाएगा 8 चीज आ जाएगा तो आप एक बेहतरीन एसोसिएट बन जाएंगे, जो कहीं भी जाके, किसी भी शहर में जाके अपना झंडा गाड़ देगा और क्राउंड से बन जाएगा। ऐसा नो? तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले, ऐसा नो? जानना चाहते हैं आप लोग? तो सबसे पहले जो है, अब देख सकते हैं, प्रोस्पेक्ट, यानी किसी भी व्यक्ति से जब हम आईएमसी में जुड़ चुके हैं, हम कौन है अभी? हेलो, जब कोई व्यक्ति हमको ज्वाइनिंग कराता है आईएमसी में तो हम क्या होते हैं? नो, अभी कच्चा माल है, रॉ मटेरियल है, वो एसोसिएट नहीं है। जब भी किसी को ज्वाइनिंग कराते हैं वो एसोसिएट नहीं है, उसको कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि मिट्टी को लेके जिस सांचे में डालोगे वैसा ही वो बनकर तैयार हो जाता है। ऐसा नो? मिट्टी को अगर भगवान को बनाने के मूर्ति के सांचा में डालोगे तो मूर्ति बन जाएगा, और उसको चीलम बनाने के सांचा में डालोगे चीलम बन जाएगा। तो जब एक ज्वाइनिंग करता है बंदा, जब किसी के साथ आता है, तो दिस इज नॉट एसोसिएट। उसको प्रोस्पेक्टिंग करना जब आ गया, मिलना आ गया, बात करना आ गया, समझाना आ गया, तब जाके एसोसिएट बनता है। ऐसा नो? नहीं तो कंज्यूमर है वो, कस्टमर है वो, क्या है? जब किसी के पास में गया और जाके श्री तुलसी पकड़ा दिया और तुलसी लेके पी लिया तो एसोसिएट नहीं है वो, कस्टमर है। कौन है वो? और हम क्या करते हैं? कस्टमर को झोला पकड़ा के मार्केट में भेजते हैं, इस प्रोडक्ट भी यूज नहीं करता है और आपका काम भी नहीं करता हो, ऐसा करते हैं कि नहीं हम लोग? तो फर्स्ट टाइम जब किसी को हम ज्वाइनिंग करते हैं तो ज्वाइनिंग करने के बाद उसको सारा कला सिखाना पड़ेगा। कि फ्रेंड, किसी के पास जाना है, बैठना है, तो आपके पास सारा हथियार होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको कस्टमर से एसोसिएट बनने के लिए सबसे बढ़िया बेहतरीन जूता, बेहतरीन पाइंट, बेहतरीन कोट, बेहतरीन टाई, बेहतरीन टाइपिन, बेहतरीन आपके पास पेन, बेहतरीन आपके पास डायरी, बेहतरीन आपके पास बैग, ये सब कुछ होगा तब जाके आप एसोसिएट बनते हैं। ऐसा नो? तो सबसे पहले प्रोस्पेक्टिंग में मैंने बताया कि कैसे किसी से मिलना है, कैसे उसके साथ बैठना है, किस भाव से जाना है, ये आपको सीखना पड़ेगा। और मेन जब हमने देखते हैं कि कभी हम किसी के पास जाते हैं, मैं अभी मार्केट में गया था एक शॉप के ऊपर, और जाने के बाद जब उस दुकान पे गया तो मैं ज्वाइनिंग के लिए नहीं बोला, जाने के बाद चुपचाप खड़ा हुआ, और खड़ा होने के बाद जो भी सामान था खाने वाला उसके शॉप से लेकर रखना शुरू किया, खजूर का पैकेट लिया, काजू का पैकेट लिया, बादाम का पैकेट लिया, और उससे भाव नहीं पूछा। जब भाव उससे नहीं पूछा, शांति से मैंने रखा, पूछा एक्सपायर तो नहीं हुआ है,
उस व्यक्ति ने सामने से पूछा कि भैया क्या करते हैं आप, क्योंकि उसको लगा कि बंदा जरूर चिंदी चोर वाला नहीं है, जरूर कुछ ना कुछ है। सामने से पूछा, मैंने सिस्टम के बारे में बताया, मैंने डायरेक्ट सेलिंग का बात नहीं छेड़ा। और आने वाले आते आते ऐसा हुआ कि व्यक्ति ने नंबर लिया और बोला मुझे इसका काम शुरू करना है, ऐसा ना? तो कैसे जाते जाते हम छेड़ देते हैं बात को, नहीं। जब किसी से मिलते हैं, किसी से मुलाकात करते हैं, बताना है तो सबसे पहले उससे बात करना है उसके सपने से। किससे? उसके सपने के ऊपर बात करना है कि कैसे हैं आप, क्या हालचाल है। तो सबसे पहले ड्रीम के ऊपर बात करिए, तब व्यक्ति जाके काम करेगा। हमको एक आदमी का नाम बताइए जिसको सक्सेस होने का रीजन नहीं हो और सफल बन गया हो, कोई एक आदमी का नाम बताइए। हेलो हेलो, एक व्यक्ति का नाम बताइए कि सफल होने का रीजन नहीं हो वो अमीर बन गया हो। अमीर कौन बनता है? जिसके अमीर बनने के कारण हो। जिसके पास अमीर बनने का कारण ही नहीं है वो अमीर कैसे बनेगा? नहीं बन सकता है। तो मैं दो तीन लोगों को उठाऊंगा कि उनके पास क्या कारण है कि अमीर बनना चाहते हैं और आईएमसी में अमीर बन जाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं उनसे। अमीर तो अमीर है ही, अमीर गरीब हो सकता है, लेकिन गरीब ही अमीर बनता है। सरो, ये दुनिया के इतिहास में है, लेकिन बनता कौन है? जिसके पास जितना खतरनाक कारण हो। सरो, अगर आप गरीब परिवार में हैं, खाने पीने को मिल रहा है, तभी भी नहीं बन सकते हैं जब तक रीजन खतरनाक नहीं हो। जितना बड़ा रीजन उतना बड़ा सक्सेस। ऐसा नो? हेलो, किसी की बहन के शादी करने हैं, घर में एक रुपया नहीं है, लोग हंस रहे हैं, वो व्यक्ति जाके सर छुपा के रो रहा है कि मुझे कुछ भी करना पड़े, वो रीजन है, उसके लिए आतंकवादी भी बन सकता है। ऐसा नो? रीजन क्या होना चाहिए कि अगर नहीं किया तो मरने के अलावा कोई उपाय? बच्चे को पढ़ाना है, हर व्यक्ति चाहता है। ऐसा नो? तो ऐसा आपके पास रीजन है कि अगर इसमें आपको सक्सेस, तो आपको जहर खाना पड़ सकता है, आपको आत्महत्या करना पड़ सकता है, ऐसा रीजन है कोई आपके पास? अगर जिनके पास है, जिनका इज्जत दांव पे लगा हुआ है, जिस पे लोग हंसते हैं, जिनको कुछ करके दिखाना है, अगर वैसा किसी के पास रीजन है तो समझिए कि सबसे बड़ा लीडर वो बन जाएगा। ऐसा नो? जैसे ही 12-1-2 बजे रात को बेड के सामने जाएंगे, उठ के बैठेंगे, खड़े होंगे, तो देखेंगे कि आपके बच्चे सो रहे हैं, आपकी वाइफ सो रही है, किसके ऊपर भरोसा करके? आपके ऊपर कि मेरा पति जिंदा है, मेरा पति तो काम कर रहा है, मेरा बाप तो आज आईएमसी के मीटिंग में गया है, लेकिन आज आपको कुछ हो जाए तो कल के बाद प्लेटफॉर्म पे आपने दिखाई होगा कि हाथ में कटोरा होता है और आपके बच्चे को, ऐसे अनाथ बच्चे को लोग ठोकर मारते हैं, ये जब चीजें आपके माइंड में आ जाएगा तो आपका बहुत बड़ा रीजन क्लियर हो जाएगा। सुनो, इस सुरक्षित अगर है कहीं से तो है डायरेक्ट सेलिंग से। किससे है? डायरेक्ट सेलिंग से। तो रीजन ढूंढने के लिए तैयार हैं? तैयार हो जाइए। और यहां पे 99% लोग एसोसिएट बन चुके हैं, तो आप सबके लिए एक बार जोरदार ताली होना चाहिए, जोरदार।